पंजाब किंग्स की हार से खुला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए प्लेऑफ्स का रास्ता, और विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए आई खुशखबरी। जी हाँ, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मैच खेला गया, जहां पर दिल्ली ने 15 रन से पंजाब के ऊपर जीत दर्ज की, और इस जीत के साथ पंजाब किंग्स अब आईपीएल 2023 की प्लेऑफ्स की रेस से लगभग लगभग बाहर है। जीत हुई दिल्ली की, पर पंजाब की हार हुई है, और आईपीएल के प्लेऑफ्स की रेस से भी पंजाब की हार हो गई। ये समझ लीजिए अब पंजाब 2023 आईपीएल के प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच सकता, लगभग लगभग ये नामुमकिन है। और दिल्ली खुद तो डूबी गई, बट अब पंजाब को भी लेकर डूब गई, और दिल्ली ने पंजाब की पार्टी जो है ख़राब कर दी। पंजाब के पास ये था कि भाई 12 मैच थे, 12 पॉइंट थे, और अगर अपने दोनों मुकाबले जीत जाते, जो आज दिल्ली से था और उसके बाद जो अगला है राजस्थान रॉयल्स से धर्मशाला में ही, वहां पर अगर पंजाब दोनों मैच जीत जाते तो पंजाब के हो जाते 16 पॉइंट्स, और 16 पॉइंट्स में पंजाब क्वालिफाई कर जाती। और इस पंजाब के क्वालिफिकेशन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस, इन दोनों पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा जाता, क्योंकि फिर आरसीबी को भी अपने दोनों मुकाबले जीतने पड़ते, और मुंबई को अपना आखिरी मैच बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ता, तब जाकर मुंबई, आरसीबी और पंजाब, इन तीनों के सेम पॉइंट्स होते और वहां पर नेट रन रेट किसी भी टीम को आगे पहुंचाता। बट अब चूंकि पंजाब हार गई है, तो मुंबई और आरसीबी सबसे ज़्यादा खुश होंगी कि उनके बीच का एक जो कांटा है वो खत्म हो गया, और साथ ही साथ खुश होंगी चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स भी, क्योंकि अगर पंजाब ये मैच जीत जाती और 14 पॉइंट्स हो जाते, और पंजाब अगर अगला मैच भी जीत जाए, राजस्थान रॉयल्स से जीत जाती, तो पंजाब के हो जाते 16, और अगर चेन्नई लखनऊ अपना आखिरी मुकाबला हार जाते तो पंजाब उनसे पहले क्वालिफाई कर जाती। तो एक तरह से अगर कहा जाए, जो प्लेऑफ्स की जो बची हुई तीन टीमें, गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर है, वो वहां पर नंबर 1 पर काबिज रहेंगी, और वो क्वालिफायर 1 खेलने वाली है चेन्नई के चेपॉक में 23 मई को जो होने वाला है। अब गुजरात इंतजार कर रही है अपने अपोनेंट का कि भाई आखिर होगा कौन, टॉप 2 में जगह बनाएगा कौन। तो वहां पर चांसेस थे चेन्नई सुपर किंग्स के, लखनऊ सुपर जायंट्स के, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के, मुंबई इंडियंस के और पंजाब किंग्स के। अब पंजाब किंग्स उन 5 टीमों में से जो कंटेंडर थी बाकी के 3 स्पॉट के लिए, वहां पर से पंजाब का रास्ता साफ हो चुका है। अब 3 स्पॉट बचे हैं, 2nd नंबर, 3rd नंबर और 4th नंबर, और वहां पर चेन्नई, लखनऊ, आरसीबी और एमआई, इन चारों में से कोई 3 टीम पहुंचने वाली है ऐसा लग रहा है अब तक। और यही लगभग सिनेरियो बनेगा कि चेन्नई, लखनऊ, मुंबई और आरसीबी, इन चारों में से कोई 3 टीम ही प्लेऑफ्स में जाएगी, किसी एक टीम का सफर जो है यहां पर खत्म हो जाएगा। बट पंजाब की जो हार है उससे आरसीबी और एमआई सबसे ज़्यादा खुश होंगी, विराट कोहली, रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनकी टीम पर अब खतरा थोड़ा सा कम है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें अपने मैचेस नहीं जीतना है। आरसीबी को अपने दोनों मैचेस जीतने हैं, जो आरसीबी का एसआरएच से है और गुजरात टाइटंस से है, और मुंबई को भी हैदराबाद से अपना आखिरी मुकाबला जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है, क्योंकि अगर आरसीबी दोनों मैच जीत जाती है तो आरसीबी के हो जाएंगे 16, बट एमआई को अपना आखिरी मैच बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, तब जाके वो आरसीबी के नेट रन रेट को बीट कर पाएंगे। तो ये पॉइंट टेबल का हाल, और दिल्ली कैपिटल्स जो बाहर तो हो चुकी है, बट उन्होंने अपने 10वें नंबर से ऊपर छलांग लगाकर 9वें नंबर पर लगा ली है। हैदराबाद अब पहुंच गई है 10वें नंबर पर, और पंजाब किंग्स पहुंच गई है अब 8वें नंबर पर। तो पंजाब किंग्स केकेआर से भी कम रन रेट हो गया है, और राजस्थान रॉयल्स से भी कम रन रेट हो गया है पंजाब किंग्स का, जिसके चलते पंजाब अब 8वें नंबर पर है। राजस्थान, केकेआर, पंजाब, इन तीनों की पोजीशन सेम है, मतलब पॉइंट सेम है, बस नेट रन रेट के चलते ये आगे पीछे हैं। और अब 4 टीमें, चेन्नई, लखनऊ, आरसीबी, एमआई, इन 4 में से कोई 3 प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाला है। अब आपको क्या लगता है वो 3 टीमें कौन सी होंगी, और आरसीबी, एमआई, चेन्नई, लखनऊ, इन चारों में से कौन 3 क्वालिफाई करेंगी और किस किस नंबर पर करेंगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।